नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। वीज़ा आपको चाहिए जितना ले लो भाई, अभी तो मौका है। सिंगापुर जाने वाले लोगों के लिए बता दूं और कनाडा के लिए भी भैया भयंकर तरीके से बाढ़ आ रखी है वीज़ों की। जी हाँ, क्योंकि COVID-19 की वजह से सिंगापुर कनाडा बर्बाद हो चुके हैं और वो आप लोगों को वीज़ा देंगे तब जाके उन कंट्रीज़ की कोई भला होगा। आप अगर वहाँ पहुँच जाओगे 20-30 हज़ार रुपये एजेंटों को दे के तो उन देशों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, वरना तो ये तय बात है कि आप वहाँ नहीं पहुँचे तो सिंगापुर कनाडा दोनों कंट्री बर्बाद हो जाएंगी। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। भाई इस चैनल पे गल्फ न्यूज़ का है, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन की हम बात करते हैं, लेकिन ये वीडियो सिंगापुर से रिलेटेड मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में क्योंकि पूरी ऑडियंस इसी पे है। दूसरा जो चैनल है वो उस पर तो 1500-1600-2000 लोग जुड़े हैं। कल मैंने एक मलेशिया का वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि भाई मेरा मलेशिया का इस पर लास्ट वीडियो होगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दूसरे वाले को, क्योंकि मेरा यूरोपीय कंट्रीज से रिलेटेड गल्फ कंट्रीज के को अलावा जितनी भी देश हैं उस चैनल पर सब वीडियो आते रहेंगे जिसमें आपके समय समय पर आपके साथ सही जानकारी मिलती रहेगी, ठगी का शिकार होने से बचते रहेंगे। जी हाँ, लेकिन आप लोगों ने भी भाई कसम खा रखी है कि आपको कितने भी एजेंट आपकी ऐसी की तैसी कर दे, लेकिन जहां आपको सही जानकारी मिलती है ना वहां नहीं जाना, ये तय बात है। सिंगापुर के कल मलेशिया का वीडियो डाला, लगभग 5000 लोगों ने देखा। पता है 5000 लोगों में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? मात्र बता दूं 150 लोग, 160 लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो आप मरेंगे नहीं तो क्या झक मारेंगे? फिर बोलेंगे हम तो बर्बाद हो गए, हमें एजेंट ने लूट लिया, आप इसी के लायक हो भाई, सीधी बात ही है। तो ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो पे ज़्यादा ऑडियंस है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे गल्फ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, लेकिन ये बात करूँगा सिंगापुर से रिलेटेड, क्योंकि सिंगापुर की इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है वीज़ों की और भयंकर एक खुलासा करूँगा जिससे आपकी आँखों के आगे जो पट्टा है वो शायद खुल जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बात वो नहीं है कि आप मुझे 1100 रुपये दे रहे हो और मैं आपको ऑफर लेटर आपका वीज़ा चेक करके दे रहा हूँ फिर बोलता हूँ नकली है, कड़वी सच्चाई मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि फिर बोल रहा हूं भाई, ये वीडियो के बाद में एक दो वीडियो शायद आए तो आए, बाकी सिंगापुर जितनी भी कंट्रियां हैं उसी पे डालूंगा, तो उस चैनल को वीडियो के नीचे लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पे आपको सही जानकारी मिलती रहे। बता दूं कि पिछले 7 दिन में सिंगापुर के 4 वीज़ा मेरे मोबाइल पर आए हैं, 4 वीज़ा मेरे मोबाइल पर आए हैं, एक नया फार्मूला निकला है। जी हाँ, आपको पता है सिंगापुर में COVID-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहे हैं, पूरे सिस्टम तामझाम रुका पड़ा है, लेकिन ये एजेंट लोग इतने हरामी हो चुके हैं कि तोड़ निकाल लेते हैं लोगों को वीज़ा देने का। जी हाँ, अब बता दूं मलेशिया सिंगापुर दोनों एक जगह हैं, मलेशिया से आप सिंगापुर जा सकते हैं बाई बस बिना वीज़ा के, आप सबको पता है, और मलेशिया से सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो मैं बता दूं मलेशिया में जो लोग एजेंट बैठे हैं इतने हरामी, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, सिंगापुर का वीज़ा दिया, चेक करते हैं तो मलेशिया स्टेटस उसमें शो करता है, मलेशिया का नाम आ गया, मैंने बाकायदा विथ प्रूफ पहले वाला वीडियो उस चैनल पे डाला था, आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद में आज फिर एक मेरे पास सुबह सुबह बता दूं, एक भाई ने वीज़ा भेज दिया, ऑफर लेटर वीज़ा ही भेज दिया, ऑफर लेटर ने वीज़ा भेज दिया। जी हाँ, बंदा मलेशिया में बैठा है, एजेंट मलेशिया का है, उसके भाई का भाई बैठा है इंडिया में, उसका वीज़ा सिंगापुर का निकाल के दे दिया। जी हाँ, COVID-19 पहले मार्च की बात है, मार्च में बंद था, अभी जैसे ये मार्च ओपन हुआ ये अभी लगा कि हाँ वीज़ा अभी स्टार्ट हो गए तो उस बंदे को वीज़ा दे दिया गया। ये बता दूं ये लफड़ा क्या है, अगर आप वर्क परमिट वीज़ा से चेक करोगे वीज़ा चेक नहीं होगा, पासपोर्ट नंबर से चेक करोगे पासपोर्ट नंबर से वीज़ा चेक हो रहा है, क्या कारण है आप बताइए मुझे, अगर आप 30 मार्क आप में कोई है या सिंगापुर में बैठा है तो आप बताइए। दूसरी बात बता दूं, भाई ने ये बताया कि सर मैंने मेरे भाई का वीज़ा पासपोर्ट से चेक किया, चेक हो गया ठीक है, और मैंने खुद ने ट्राई किया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट आगे सेंड किए, वहां से मुझे रिप्लाई ये मिला कि ये सब सिस्टम एक तामझाम चल रहा है मलेशिया में, मलेशिया से इंक्वायरी करी तब पता लगा कि वहां पे मलेशियन लोगों को अप्रूवल मिल जाता है सिंगापुर का, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा सिस्टम नकली होता है, अप्रूवल उनका होता है, पासपोर्ट नंबर पता नहीं कैसे सेट करते हैं कि पासपोर्ट, अगर आप पासपोर्ट नंबर उस पर लगाते हो तो आपका नाम वीज़ा पासपोर्ट नंबर शो कर देता है, तो आपको लगता है कि आपका वीज़ा है जबकि वो आपका वीज़ा नहीं है, आपके साथ चीटिंग हो रही है। जी हाँ, और उस बंदे का पता है सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ, उस बंदे ने ये बताया कि सर भाई का वीज़ा मैंने चेक कर लिया, हो गया, उसके बाद मैंने मेरा पासपोर्ट नंबर डाला तो मेरा वीज़ा भी चेक हो रहा है। मैं सोचा यार ऐसे कैसे हो जाता है,
मैंने तो कभी एजेंट को डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए सिंगापुर जाने के लिए। फिर मैंने मेरे तीन दोस्तों के पासपोर्ट नंबर और डाले, उनका वीजा भी चेक हो गया। भाई ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है ऐसा? जो बंदे का पासपोर्ट घर पे पड़ा है, कभी किसी एजेंट से मिला नहीं, कभी सिंगापुर जाने की सोची नहीं, उसका पासपोर्ट नंबर सिंगापुर वेबसाइट पे शो कर रहा है, वीजा अप्रूवल मिल रहा है, कैसे? तो भाई ठगी नहीं तो क्या है, सोचने की बात है। ये आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, सिंगापुर कनाडा के धड़ाधड़ वीजा 10 दिन में 20-25 वीजा आ गए मेरे मोबाइल पे, अभी सुबह से लेके अब तक 7 वीजा आ गए, कैसे आ रहे हैं यार? सिंगापुर आपके लिए बैठा है, कनाडा आपके लिए बैठा है, कि एजुकेशन आपकी 12वीं पास है, कोई स्किल नहीं है, बोलने आपको आता नहीं है, पासपोर्ट आपके घर पे पड़ा है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, वीजा आ गया 50,000। अभी अभी देखिए मैं बता देता हूँ, इस बंदे आपको देखिए फीस डाल दी मुझे 1100 रुपये, ये वीज़ा भेज दिया कनाडा का, नीचे लिखा है सर 50,000 रुपये दे चुका हूँ चंडीगढ़ में, अब बताओ जी क्या करें? मैं बोला अरे भाई 1100 रुपये मुझे दिए, पहले ही मेरे से मिल लेता, 50,000 देने के बाद मुझे दे दिए पैसे, बाद में पता लगा वीज़ा नकली है, 50,000 गए ना, अभी बायोमेट्रिक की ओर मांग रहे हैं 10,000 रुपये। भाई रोज खुलासे होंगे नए वाले चैनल पे, आप वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरा तो टारगेट ये है आपको बचाने का, फिर भी अगर नहीं बचना चाहें तो आपकी मर्जी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।